जब हम अपने हितों से ज्यादा किसी और के हित के बारे में सोच रहे होते हैं तो निश्चित रूप से ऊपर वाला हमारे हित के बारे में सोच रहा होता है। आज ऐसी ही कुछ शिक्षा इस कहानी से मिलने जा रही है, क्योंकि कहते हैं ना, परोपकार का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा कुआ अधिक हो उतना शीतल जल मिलता है। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महंत जी महाराज की। मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवा कलंकार तोमर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज बहुत ही स्पेशल दिन है, 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार, और पूरे देश में करवा चौथ का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो भी माता बहनें हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, आप सभी को तहे दिल से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। आपका करवा चौथ हमेशा यूं ही खुशियों से मनता रहे। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है एक बूढ़ी माँ की, जो कि बहुत ही वृद्ध थी, और वृद्धा के साथ साथ में बहुत ही गरीब भी थी, और गरीबी के साथ साथ बाबा श्री श्याम की सच्ची प्रेमिका थी। कहते हैं ना कि जो भी बाबा के नजदीक रहता है या किसी भी अन्य देवी देवता के नजदीक रहता है, उसके हिस्से में गरीबी निश्चित रूप से आती है। ये भी एक प्रारब्ध है, क्योंकि बाबा कहते हैं, ज्यादा दूंगा तुझे तो तेरे अंदर घमंड पनप जाएगा, और भक्तों के अंदर घमंड भगवान कभी भी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि जहां घमंड आ जाता है वहां पर भगवान निवास नहीं करते हैं। तो ऐसी वृद्ध माँ जो थी, अत्यंत गरीब थी, लेकिन बाबा श्री श्याम की सच्ची प्रेमिका थी। उनके पास में साथ में एक पुत्र रहता था। केवल माँ बेटे दोनों ही एक कुटिया में रहते थे, एक झोपड़ी में रहते थे। लेकिन उस पुत्र के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो चुकी थी। उसका एक पैर हल्के हल्के खराब होता जा रहा था, अर्थात विकलांग हो चुका था एक पैर से। क्योंकि गरीबी की स्थिति थी, पैर भी विकलांग था, इस वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। कोई भी कन्या का जब पिता उसे देखने के लिए आता था तो उनकी दोनों परिस्थितियां देखते हुए वो शादी से साफ मना कर देते थे। इस बात को लेकर जो वृद्ध माँ थी अत्यंत ही परेशान रहा करती थी। काफी परेशानी के बाद उन्होंने किसी से मनोना धाम के बारे में सुना, और कहते हैं कि मनोना धाम एक ऐसा धाम है जहां पर हर हारे हुए को सहारा मिल जाता है। तो जब वृद्ध माँ मनोना धाम आती हैं, बाबा श्री श्याम से एक अरदास लगाती हैं अपने बेटे के विवाह के लिए, और जिस दिन वो अरदास लगाती हैं उस दिन करवा चौथ होता है। और अरदास में ये लगाया था कि अगली करवा चौथ तक मेरे बेटे का विवाह संपन्न हो जाए, क्योंकि उनको पता था कि साधारण रूप से उनके बेटे का विवाह नहीं हो सकता है। और इतना ही नहीं, अर्जी में ये भी लिखा कि जो भी मेरे बेटे की पत्नी हो वो अत्यंत रूपवती हो और अत्यंत धन से संपन्न हो, ताकि मेरे घर की गरीबी भी दूर हो सके। अब चूंकि ये असंभव था, क्योंकि वो खुद गरीब थी और बहुत ही धनवान पुत्रवधू चाह रही थी, लेकिन कहते हैं बाबा श्री श्याम की नजर जिस पर पड़ जाती है, जो हारे के सहारे हैं, तो कोई भी असंभव काम निश्चित रूप से संभव हो जाता है। ऐसा ही चमत्कार उन वृद्ध माँ के साथ भी हुआ। एक दिन क्या होता है, बहुत दूर दराज से एक सूचना मिलती है वृद्ध माँ को कि एक बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा आए हुए हैं। अगर कोई भी उनसे कोई भी समस्या का समाधान पूछता है तो वो सटीक उत्तर बता देते हैं। उनकी प्रसिद्धि पूरे नेपाल में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी थी। उन वृद्ध माँ को ये सूचना मिलती है तो वृद्ध माँ जल्दी से अपने पुत्र को तैयार करती हैं और कहती हैं, बेटा इस तरीके से एक बहुत चमत्कारी सिद्ध पुरुष नेपाल में आए हुए हैं, तुम उनके पास जाओ, उनसे पूछना कि हमारी समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। माँ की आज्ञा लेता है और निकल पड़ता है उस यात्रा पर। पहला पड़ाव जब शाम हो चुकी थी और रुकने का कहीं स्थान नजर नहीं आ रहा था, तो देखता एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है। उसकी चमक धमक ऐसो आराम, नौकर चाकर भाट टहल लेते, पहरेदारी कर रहे थे। नौकरों से बोलता है, पहरेदारों से कहता है कि मैं इस तरीके से अब बाहर से आया हुआ हूँ
और मैं संत पुरुष के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अत्यंत गरीब हूँ, मेरे पास कोई साधन पैसे नहीं है जिससे मैं साधन के द्वारा वहां जा सकूं, मैं पैदल ही यात्रा पर हूँ, तो क्या मैं आपके यहाँ पर एक रात के लिए रुक सकता हूँ? सुबह ही अगले दिन मैं चला जाऊंगा। पहरेदारों ने अपने मालिक से पूछते हैं, अंदर जाते हैं जहां पर सेठ और सेठानी रहते हैं, तो सेठानी बहुत दयालु थी। सेठानी ने जब सुना कि वो धार्मिक यात्रा पर जा रहा है, संत पुरुष से मिलने जा रहा है, सेठानी ने तुरंत आदेश दे दिया अपने नौकरों को कि उसे सम्मान से अंदर लेके आओ। वो बच्चा अंदर जाता है और सेठानी को प्रणाम करता है, सेठ को प्रणाम करता है। सेठ सेठानी ने उसकी खूब अच्छी अवगत की और विश्राम के लिए आमंत्रित कर दिया, एक रूम दे दिया कि इसमें आप विश्राम कर सकते हो, सुबह आप चले जाना। आराम से उसने विश्राम किया। सुबह उसको नाश्ता तैयारी कराने के बाद वह आज्ञा लेता है सेठ सेठानी से कि अब मैं निकल रहा हूँ अपनी यात्रा के पड़ाव पर। तो सेठानी उससे कहती है कि बेटा बहुत अच्छा लगा तुम्हारा बर्ताव हमें, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना भूल गई कि तुम जा क्यों रहे हो उन संत पुरुष के पास, कारण क्या है जाने का? तो उसने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं एक पैर से विकलांग भी हूँ और इसी वजह से मैं अपनी समस्याओं का समाधान पूछने जा रहा हूँ कि मेरी जो समस्याएं हैं कब तक दूर होंगी। तो जो सेठानी थी उन्होंने कहा कि बेटा तुम जब जा ही रहे हो तो एक समस्या मेरी भी है, पूछ के आना तुम कि ये समस्या मेरी कब तक दूर होगी। वो बेटा बोलता है, सेठानी आपने मुझे रात में रोका है, मेरे ऊपर एहसान किया है, आपकी बात मैं जरूर पूछ के आऊंगा, क्या समस्या है आपकी? उन्होंने कहा, बेटा समस्या ये है कि मेरी बेटी एक कान से सुन नहीं सकती है और मुंह से बोल नहीं सकती है, ये भी जन्म से गूंगी और बहरी है, इसी वजह से इसका कोई भी विवाह के लिए आता है तो पीछे हट जाता है, रुपए पैसे धन इत्यादि की हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन इस वजह से मैं इसका विवाह नहीं कर पा रही हूँ। उनसे पूछना कि इसका विवाह कब तक होगा, तो जो वो बालक होता है सहर्ष सर हिला देता है, कहता सेठानी, सेठानी जी मैं निश्चित रूप से आपकी बात जरूर पूछूंगा। इतना कहकर वो आगे की यात्रा पर निकल जाता है। अगले दिन पूरे दिन चलता है, लेकिन शाम को फिर हल्के हल्के अंधेरा होने लगता है। फिर वो नई जगह तलाशता है जहां पर उसे विश्राम करना है। अब की बार जो विश्राम का स्थल मिला वो एक ऋषि मुनि महात्मा जी थे जो कि एक कुटिया बना के जंगल में रह रहे थे। सोचता है कि आसपास तो कोई स्थान भी नहीं है जहां मैं विश्राम कर पाऊं, चलो इनसे ही मैं बोलता हूँ कि मुझे एक रात विश्राम करने दें। तो ऋषि को प्रणाम करता है, अंदर जाता है और कहता है, महात्मा आज मुझे ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ एक धार्मिक यात्रा पे जहाँ पर मुझे एक संत पुरुष के पास जाना है, उनसे अपनी समस्याओं के बारे में पूछना है, लेकिन चलते चलते मुझे दूसरा दिन है और रात होने जा रही है, क्या मैं आपके इस कुटिया में एक रात के लिए विश्राम कर सकता हूँ? महात्मा जी तुरंत खुश हो जाते हैं धार्मिक यात्रा के नाम पे और उसको अनुमति देते हैं कि तुम यहाँ विश्राम कर सकती हो। पूरी रात विश्राम करता है। सुबह के लिए जब चलने को होता है तो महात्मा जी भी पूछते हैं कि बेटा तुम जा क्यों रहे हो, कारण क्या, क्या पूछने जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं गरीब भी हूँ, विकलांग भी हूँ और मेरी शादी भी नहीं हो पा रही, मैं कारण समाधान पूछने जा रहा हूँ कि आखिर ये सब कब तक चलेगा और कब मेरा होगा सब कुछ। तो महात्मा जी कहते हैं कि तुम जा ही रहे हो बेटा तो हमारी भी एक बात पूछ के आना। उन्होंने कहा कि बताइए क्या बात आपकी पूछनी है, आपने मुझ पर एहसान किया है, रात में आपने विश्राम करने की अनुमति दी है अपने यहाँ, तो मैं आपकी बात जरूर पूछ के आऊंगा। तो वो कहते हैं कि उन संत से ये पूछना कि मुझको 6 साल हो चुके हैं इस आश्रम में रहते हुए कुटिया बना के भगवान की आराधना करते हुए, लेकिन भगवान की कृपा भगवान की सिद्धि मुझको अभी तक नहीं प्राप्त हुई है जिससे मेरे हाथों से भी कुछ चमत्कार हो सके। ये पूछ के आना कि कब तक सिद्धि मिलेगी महात्मा को, कब तक भगवान की कृपा उनको मिलेगी। वो बच्चा सर हिलाता कहता, ठीक है महात्मा जी मैं आपकी बात भी जरूर पूछ के आऊंगा। अब चल देता है। सुबह से लेकर रात फिर हो जाती है, शाम हो जाती है। अब तीसरी जगह सोचता है कि आज फिर रुकना पड़ेगा। तो अब की बार उसे एक किसान का घर मिलता है जहां पर एक किसान खेती कर रहा होता है और उसके खेत में ही उसकी एक झोपड़ी पड़ी होती है। तो आसपास चूंकि कोई था नहीं तो केवल किसान उसको दिखाई देता है। किसान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, महोदय इस तरीके से मैं
धार्मिक यात्रा पे जा रहा हूँ, तो क्या एक रात विश्राम की अनुमति मुझे मिल सकती है? तो वो किसान भी धार्मिक प्रवृत्ति का था, तुरंत ही मान गया। बोला, क्यों नहीं, आप हमारे अतिथि हो, पूरी रात रुकिए, सुबह चले जाना। अब पूरी रात वो रुकता है, सुबह के लिए जैसे ही जाने को होता है, किसान उससे पूछने लगता है कि आप वहां जा रहे हो, कारण क्या, क्या पूछने जा रहे हो? तो वो अपनी पुनः वही बात बताता है जो उन दोनों को बताया था उसने, कि मैं गरीब हूँ, विकलांग हूँ, शादी भी नहीं हो पा रही, पता नहीं कब तक मेरा ये समस्या का समाधान होगी, इस वजह से मैं ये बात पूछने जा रहा हूँ। तो किसान कहता है, ठहरो, मेरी भी एक बात पूछ के आना। वो कहता है, आपकी क्या समस्या है? तो किसान बोलता है, समस्या ये है कि मेरे को 5 साल हो गए इस खेत को लिए हुए, लेकिन आज तक इस खेत में एक भी अन्न का दाना नहीं हुआ है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैंने झोपड़ी भी डाल रखी है इस खेत में रखवाली के लिए या फिर इसकी देखभाल के लिए, लेकिन अभी तक फसल होती है, अच्छी फसल हो जाती है, लेकिन अंत के समय में मेरी सारी फसल चौपट हो जाती है, एक दाना मुझे इस खेत का नसीब नहीं हुआ है। पूछना कि उस किसान के यानी कि मेरे खेत में कब तक इस तरीके का चलेगा और क्यों हो रहा है ऐसा? तो जो बेटा होता है तुरंत ही सर हिला देता है कि महोदय, आपने मुझे रात में विश्राम करने दिया है, मैं आपका आभारी हूं और मैं आपकी बात जरूर पूछ के आऊंगा। प्रणाम करके निकल पड़ता है और धीरे धीरे चलते हुए अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है जहां उसको पहुंचना होता है। और जो संत पुरुष के पास उसको जाना था वहां पहुंच जाता है और मुनि के चरणों में दंडवत लेट जाता है और प्रणाम करता है, कहता है कि महात्मा, आपके पास आते आते मुझे 3 दिन लगे हुए हैं, मैं बहुत ही थक गया हूँ, एक तो एक पैर से मैं विकलांग हूँ, विकलांगता की अवस्था में मैं आपके यहाँ तक पैदल चल के आया हूँ 3 दिन का सफर कर। तो महात्मा जी कहते हैं, बेटा परेशान मत होइए, अब आप यहाँ पर आ गए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा आज। कहते हैं, लेकिन बेटा शर्त एक है कि आप मुझसे केवल 3 बातें पूछ सकते हो, चौथी बात नहीं बताता हूं मैं किसी को, 3 बातें पूछिए आप। अब वो लड़का असमंजस की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि सवाल उसके 4 हो चुके थे, एक तो सेठ सेठानी की लड़की की शादी का सवाल, दूसरा उन ऋषि मुनि का सवाल जो कहते थे कि मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, तीसरा उस कृषक यानी कि जो खेती बाड़ी कर रहे थे भाई साहब उनका सवाल, और चौथा अपना सवाल। अब वह अत्यंत विचलित हो जाता है कि सवाल तो 4 है लेकिन मुनि से पूछना 3 है, अब मैं किसका छोड़ूं, सबके सवाल इंपोर्टेंट हैं, सबके सवाल महत्वपूर्ण हैं। अब विचार करता है किसका छोड़ा जाए, तो अंत में निर्णय लेता है कि उन 3ों के सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है वो मेरा नहीं है, इसलिए मैं अपना जो सवाल है उसको त्याग कर दूंगा और मैं उन 3ों के समस्याओं के समाधान के बारे में पूछूंगा कि उन 3ों की समस्याओं के समाधान कब तक होंगे। तो सबसे पहले पूछता है जो खेती वाले भाई साहब होते हैं किसान, क्योंकि सबसे लास्ट में उन्हीं से मिलता है वो, इसी वजह से सबसे पहले उन्हीं का सवाल लगता है। कहता है कि क्योंकि उसको वापसी जाना था, उसी रास्ते से जाना था, तो जो सबसे पहले मिलेगा उसी को उसका उत्तर बताते जाएगा। सबसे पहले आप किसान मिलेगा, फिर उसको वो ऋषि मुनि मिलेंगे, फिर सबसे लास्ट में वो मिलेंगे सेठ सेठानी मिलेंगे। तो सबसे पहले वो किसान का सवाल पूछता है, कहता है, महात्मा जी मुझे ही बताइए कि हमारे जो परिचित में हैं, हमारे अपने ही एक किसान भाई हैं, और उन किसान भाई का खेत ऐसे ऐसे इस दशा में है और यहाँ पर इस गांव में स्थित है और उनका ये नाम है, उनका खेत 5 साल हो गए लिए हुए लेकिन एक भी अन्न का दाना उस खेत में उपलब्ध नहीं हुआ है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है? तो जो मुनि है वो ध्यान लगाते हैं, क्योंकि मुनि थे, तेजस्वी थे, अत्यंत सिद्धियां उनको प्राप्त थी, तो ध्यान लगाते हुए बोलते हैं, बेटा उन किसान भाई साहब से बोलना कि उनके खेत में एक नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ के पास में कुआ है और उस नीम के पेड़ के नीचे, जड़ के नीचे 1000 सोने की असरपियां गड़ी हुई हैं, और जब तक वो सोने की असरपियां आदि दान नहीं कर देते हैं किसी को, तब तक उनके खेत में कोई भी फसल नहीं हो सकती है, और दान उनको अनजान आदमी को ही करना है, किसी अपने को नहीं कि अपने ही घर वालों को दे दिए, अनजान आदमी को दान करना है, उनसे बोल देना जिस दिन ये वो कर देंगे उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उनकी समस्या का समाधान पूछ लिया उसने, और ऐसे एक एक करके उन दोनों की भी समस्या का समाधान पूछ लेता है।
तीनों के समस्याओं के समाधान जब उसको मिल जाते हैं तो दंडवत करता है मुनि को और पुनः वापस उसी रास्ते से चल देता है। तो सबसे पहले उसको वही किसान मिले जिन्होंने पूछा था कि मेरी फसल क्यों नहीं होती है। तो जैसे ही किसान देखता है उस बच्चे को, तुरंत ही पूछने लगता है कि क्या आप मेरी समस्या का समाधान पूछकर आए हो। वो बेटा बोलता है, हाँ जी मैं बिल्कुल पूछकर आया हूँ। तो बोलता है कि आपके खेत में एक नीम का पेड़ है जहाँ पर एक कुआ होगा, और देखो ऐसा है क्या? और किसान को तो पता थी, किसान बोलता है हाँ है, और उसके नीचे देखो 1000 सोने की सरपियां गड़ी हुई हैं। जब तक आप आदि दान नहीं कर देते हो किसी अनजान व्यक्ति को, तब तक आपके खेत में कोई बरकत नहीं होगी। अब किसान ने जब सुना कि 1000 सोने की सरपी, एकदम खुश हो गया। देखता है कि तुरंत ही उसने खुदाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि भाई किसी को आपको ही अगर 1000 रुपए मिल जाए, आधे अगर दान भी दे दो तो भी आपको 500 बच जाएंगे। तो किसान खुश हो गया, बोला आधा मैं दान कर दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर 1000 मिलती है मेरे लिए। तुरंत ही खुदाई कर देता है, एक नीचे बहुत नीचाई पर जाके मटका निकलता है। उस मटके में 1000 सोने की सरपी गिनी हुई रखी हुई थी। किसान खुश हो जाता है और 500 सरपी उसी को ही दान कर देता है। कहता है, आप मेरे लिए अनजान हो, आपसे अच्छा मेरे लिए कौन होगा दान करने वाला? आपने मुझे रास्ता दिखाया है, आपने मेरी समस्या का समाधान पूछा है, और 500 सरपी आपके लिए दान करता हूँ। वह लड़का अत्यंत प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होते होते हुए रवाना हो गया। कहता है, वाह परमात्मा तेरी अजीब लीला है, मैंने अपने बारे में तो नहीं पूछा था महात्मा से, लेकिन तूने एक समस्या का समाधान बिना पूछे ही कर दिया। अत्यंत प्रसन्नता के साथ निकल पड़ता है और चलते चलते आगे रास्ते में उसको दूसरा पड़ाव मिलता है, जहां पर वो ऋषि मुनि महात्मा जी थे, जो कहते थे कि हमको अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही महात्मा जी ने उस बच्चे को देखा, तुरंत ही आवाज लगा दी कि आप क्या हमारी समस्या का समाधान पूछ के आए हो? बालक बोला, हाँ महात्मा, मैं आपकी समस्या का समाधान भी पूछ आया हूँ। आपकी समस्या का समाधान आपकी जटाओं में छुपी हुई एक रतन मणि है, जिसकी रखवाली हमेशा आप करते रहते हैं, आपका दिमाग उसी मणि में रहता है। और उन महात्मा जी ने हमें बताया है, संत पुरुष ने, जब तक आपकी वो मणि आपकी जटाओं से नहीं निकलेगी, क्योंकि आपका पूरा दिमाग तो मणि में रहता है, आपका दिमाग तो ईश्वर में लगा ही नहीं इन 5-6 सालों में, जब तक आप मणि से मुक्त नहीं होंगे तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। महात्मा जी तुरंत ही व्याकुल हो गए, क्योंकि रियल में उनके अंदर मणि छुपी हुई थी, जिसकी रखवाली वो रात दिन करते रहते थे। ऋषि मुनि कहते हैं, हे परमात्मा, तेरी भी लीला बहुत ही अपरंपार है। तुरंत ही अपनी जटाओं को खोलते हैं, मणि निकालते हैं और उस बच्चे के हाथ में रख देते हैं कि बेटा जाओ, आज से मणि मेरी नहीं, आज से तुम्हारी है। आज से मैं कोई भी लोभ मोह सारा त्याग करके भगवान की शरण में जाऊंगा और उनकी सिद्धियां प्राप्त करूंगा। बेटा खुश हो जाता है, वो बालक, गरीब बालक था, भगवान को धन्यवाद देता है कि हे परमात्मा, तेरी लीला अपरंपार है। अब तीसरा अंतिम पड़ाव वो सेठ सेठानी का घर था, जहां पर वह पहुंचता है। सेठानी जैसे ही ऊपर से देखती हैं उस बच्चे के लिए आवाज लगाती हैं, बेटा क्या तुम मेरी समस्या का समाधान पूछकर आए हो? सेठानी से कहता है, जी सेठानी, मैं आपकी समस्या का समाधान पूछ आया हूं। उन महात्मा ने मुझसे कहा है कि जो भी इसका होने वाला पति होगा, जब वह उसको देखेगी तो सुनने भी लगेगी और बोलने भी लगेगी। इसको किसी पूर्व जन्म का कोई श्राप लगा हुआ है, जब तक इसका होने वाले पति को नहीं देखेगी ये, तब तक ना तो बोल पाएगी और ना ही सुन पाएगी। और जैसे ही वो बच्चा वहां आता है घर में, और वह लड़की बहुत सारी सहेलियों के साथ आ रही होती है बाहर से, और तुरंत ही आवाज लगाती है, माँ ये कौन है? और सबने सुना कि ये बोल रही है, सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो माँ ने कहा कि ये बहुत सज्जन पुरुष हैं जो तेरी समस्या का समाधान पूछकर आए हैं। तो वो उनको प्रणाम करने लगती है, बात सुनकर उनसे खुश हो जाती है, मतलब बोलने भी लगती है और सुनने भी लगती है। सेठ जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कुदरती क्या इच्छा है। सेठानी समझ चुकी थी, कोई हो ना हो उसका होने वाला पति यही है, क्योंकि इसको देखने के बाद ही ये बोलने लगी और ये सुनने लगी। तो सेठ सेठानी उसको अपने यहाँ पर रोकते हैं, और चूंकि उसका घर बहुत दूर था, इस वजह से वहीं पर सात फेरे उस बेटी के साथ हो जाते हैं। वह पूरे धन संपदा वैभव से युक्त होकर अपने दुल्हन को साथ लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान करता है,
और उस दिन आज की ही तिथि थी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि अर्थात करवा चौथ का एक शुभ अवसर था। और जैसे ही घर पहुंचता है माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बोलता है, माँ मैंने अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, मैंने तो उन औरों के बारे में सोचा, औरों के हितों के बारे में सोचा, और औरों के हितों के बारे में पूछते पूछते सोचते सोचते मुझे ये सब कुछ मिल गया जिसकी मुझको लालसा थी। कहानी से बस हमको यही सीख मिलती है कि हमें अपने से ज्यादा औरों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरे की खुशियों में भी शरीक होकर देखो, दूसरे की खुशियों में कभी मुंह नहीं फुलाना चाहिए, कभी अपनी ही खुशी में खुश मत हुआ करो, कभी दूसरे की खुशियों में भी खुश हुआ करो। जो दूसरे की खुशियों में खुश होता है तो भगवान उसको अपरंपार खुशियां दे देता है। उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो आपने इस कहानी से, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में मेरे श्याम प्यारे की जय जरूर लिखना। आपने हमारी इस पूरी कहानी को बहुत धैर्य पूर्वक देखा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा श्री श्याम उस बूढ़ी वृद्ध माँ की तरह आप सबकी अर्जियां पूरी करें। जय जय श्री श्याम।